सुपरस्टार धर्मेंद्र सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। वहीं द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में भी सनी और बॉबी ने भी वे बताया कि ही मैन को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफी पसंद है। हालांकि कई बार उनके पोस्ट फैंस को चिंता में डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ लेटेस्ट ट्विटर पोस्ट में सामने आया जिसे खुद सुपरस्टार ने डिलीट कर दिया। वहीं ऐसा करने के बाद अपने फैंस और ट्विटर फैमिली से उन्होंने माफी भी मांगी। दरअसल डिलीट किए गए पोस्ट में उन्होंने ये तो पता नहीं चलने दिया कि आखिर वो क्या था, लेकिन फैंस उन्हें अपना प्यार देना और फिक्र करना कभी नहीं भूलते हैं। दरअसल सुपरस्टार धर्मेंद्र ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है जो कि हाल ही में खींची हुई थी। फोटो में वो चेक शर्ट और ब्लैक पैंट में सर पर टोपी पहने हुए नजर आ रहे थे। बताते चले कि ही मैन ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, सॉरी दोस्तों, मेरा पिछला पोस्ट बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी शेयर की। साथ ही साथ बताते चले, गौरतलब ये है कि हाल ही में नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सनी देओल और बॉबी देओल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी फैमिली और पिता धर्मेंद्र के बारे में बातें की। उन्होंने बताया कि कई बार पापा कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त नहीं बनते। मैं कहता हूं कि पापा मैं दोस्त वाली बातें शुरू करता हूं तो आप पापा बन जाते हो, मैं क्या करूं। सनी देओल की बात सुनकर कपिल जोर से हंस पड़ते हैं। इसके अलावा बॉबी देओल भी धर्मपाजी के किसिंग सीन को लेकर भी कॉमेंट करते हैं। अगर हम वर्क फ्रंट की बात करें तो सुपरस्टार धर्मेंद्र आखिरी बार तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म में नजर आए थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। फिलहाल इस पर आपके क्या कुछ राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्सन लाइव।